प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ अपने आवास पर अनेक मुद्दों पर बातचीत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट भारत में अपनी मौजूदगी के 25 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई बातचीत में टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्धता को भारत ने सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने देश में 2 लाख आरोग्य मंदिर बनाए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीक से जोड़ा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका लक्ष्य है कि देश की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। दुनिया में डिजिटल डिवाइड की बात सुनता था, मैं कहता मेरे देश में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा कि डिजिटल डिवाइड हो। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अपने आप में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आज मेरे यहाँ गांवों तक मैं ये डिजिटल फैसिलिटी पहुंचाना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है। महिलाएं तुरंत नई चीज़ों को स्वीकार करती है, ये मेरा अनुभव है मेरे देश में। उनके अनुकूल कौन सी चीज़ें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊँगा तो वो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है। मैंने एक कार्यक्रम लिया है नमो ड्रोन दीदी, उसके पीछे मेरे 2 लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहूँगा, और वो भी एक गरीब परिवार से। तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें नहीं, बड़ी चीज़ें करनी है। दूसरा, गाँव में महिलाएँ मतलब यही काम करेंगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोएगी, नहीं, मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ। गांव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गांव को बदल रही है। एग्रीकल्चर को मैं आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, ये जरूरत मैं देखता हूँ, और उसी लिए मैंने ड्रोन दीदी का, और बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। महत्व बहुत है, और मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा में बोलते आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है, वो इतना एडवांस हो गया है। अब देखिए मैं कैसे उपयोग करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, जिसको देखकर आपको भी खुशी होगी कि कॉमन मैन कैसे एआई का उपयोग कर सकता है। जैसे मैंने G20 में एआई का बहुत उपयोग किया, मेरे पूरे G20 का परिसर था उसमें पूरा का पूरा एआई का उपयोग करके सारे इंटरप्रिटेशन की व्यवस्था मैंने एआई से की। मैंने मेरे सभी ड्राइवर्स को मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड करवा दिया, उसके साथ बैठे हुए गेस्ट उनको करवा दिया। मान लीजिए वो फ्रेंच भाषा जानते हैं तो ड्राइवर के पास ऐप में फ्रेंच की व्यवस्था थी, वो ड्राइवर के साथ फ्रेंच में बोलते थे, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में सुनता था, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में जवाब देता था, यानी ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में वो कर सकते थे। मैंने अभी एक प्रयोग किया, मैं काशी तमिल संगम में कार्यक्रम करता हूँ, तो काशी में तमिलनाडु के लोग आए हुए थे, तमिल भाषा मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो मैंने एआई का उपयोग किया, मैं हिंदी में बोला और सबने मेरा भाषण तमिल में सुना एआई के द्वारा। वहीं पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 के बाद पर्यावरण संरक्षण को लेकर विश्व में एक अच्छा वातावरण बना है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा तमिलनाडु में हाइड्रोजन से चलने वाली बोट को रवाना किया गया और इस बोट का उपयोग काशी से अयोध्या के बीच किया जाएगा ताकि लोग नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को लेकर जागरूक हों। को लेकर के हम बात कर रहे थे, भारत मुझे बहुत खुशी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, हम न्यूक्लियर के अंदर काफी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। उसी प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन को हम बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं तमिलनाडु में था तो हमने एक हाइड्रोजन से चलने वाली बोट मैंने वहाँ से रवाना की, जो काशी में मेरे जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली, पॉल्यूशन फ्री ये बोट काशी से अयोध्या के लिए चलाने के लिए मैंने सोचा है, ताकि क्लीन गंगा के मेरी जो मूवमेंट है उसको भी बल मिलेगा,
एनवायरमेंट कॉन्शियस सोसाइटी के लिए भी वहां से एक मैसेजिंग होता रहेगा। बिल गेट्स द्वारा कोविड टीकाकरण की सफलता के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले लोगों को जागरूक किया कि वायरस के खिलाफ लड़ाई सरकार की बल्कि जनता की है। इसके लिए वे स्वयं उदाहरण बने, ताली और थाली बजाओ अभियान चलाए, जिसके लिए उनका मजाक भी बनाया गया, लेकिन देश की जनता को वे समझाने में कामयाब रहे और कोविड के खिलाफ भारत में एक जन आंदोलन बन पाया। वायरस के खिलाफ ये लड़ाई जो है ये हम सबकी है, ये लोगों को प्रशिक्षित करने पर बल दिया। ये वायरस वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये लाइफ वर्सेस वायरस की लड़ाई है। ये पहली मेरी फिलॉसफी थी। दूसरा, मैं डे वन से कम्युनिकेट करने लगा सबसे डायरेक्ट मेरे देश के लोगों से बात, खुद सारे प्रोटोकॉल पब्लिकली फॉलो करने लगा, सब चीजें पब्लिकली मैं उदाहरण के रूप में जाने लगा लोगों के सामने। फिर मैंने कहा भाई ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ। हमारे देश में इसकी बड़ी मजाक करने का प्रयास हुआ, लेकिन मुझे लोगों को विश्वास में लेना था कि भाई हमें ये लड़ाई साथ लड़नी है। जब ये विश्वास बन गया कि हमें अपनी जिंदगी बचानी है और औरों की जिंदगी बचे इसमें मदद करनी है, तो एक प्रकार से मास मूवमेंट बन गया। और उसके कारण मुझे बाद में जो भी चीज कहता था देशवासियों को, वो मुझे मदद करते थे, मुझे क्वेश्चन नहीं करते थे कि मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, उनको लगता था। और लोग भी एक दूसरे को कहते थे मास्क लगाओ। तो ये जन आंदोलन बन गया, एंड डेमोक्रेटिक वे में, डंडे से काम नहीं होता है। आप लोगों को एजुकेट कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए और उनको साथ लेकर के चलिए। ये मेरा बहुत बड़ा अभियान रहा। इस अवसर पर माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भारत के नेतृत्व में G20 की मेजबानी को शानदार बताया। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास ही पर्यावरण के अनुकूल रहा है, साथ ही उन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की थीम ये सभी के लिए होना चाहिए को भी सराहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय न केवल प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं बल्कि आगे भी बढ़ रहे हैं।